कराची में इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमा जलाओ घिराओ के मुकदमात में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा आजर की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमों को 1-1 लाख रुपए के मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया, जबकि खुर्रम शेजमान की अबूरी जमानत की तौसीह कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला अपडेट कीजिएगा, खुर्रम शेजमान की अबूरी जमानत की तौसीह कर दी गई है। जी शुक्रिया, बिल्कुल। कराची की दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को फिरोजाबाद थाने की हदूद में हंगामा राई और जलाओ घराओ के केस से मुतालिक समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानत मंजूर कर ली है। जबकि अदालत ने हलीम आदिल शेख और राजा अजहर को 1-1 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया, जबकि साथ साथ अदालत ने पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेख जमान की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। हलीम आदिल शेख और दीगर पर हंगामा राई, जलाओ घेराव समेत मुतद्दिद इल्जामात हैं। पुलिस के मुताबिक ताहम अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए हलीम आदिल शेख, जबकि मुबैना टाउन थाने की में भी केस उन पर दर्ज है। ताहम इस वक्त सच्चल थाने की हदूद में हलीम आदिल शेख पर जो मुकदमा था उस पर मलीर कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।